अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये अम्ल बड़ा ही कामयाब और आजमाया हुआ तावीज़ है। इस अम्ल की बरकतें कमाल की हैं। एक बार के ही इस्तेमाल से महबूब आपके कदमों में होगा इंशाल्लाह। मोहब्बत के लिए ये अम्ल बड़ा ही असर रखता है। ये अम्ल किसी को भी अपना बनाने के लिए बड़ा ही कामयाब तावीज़ है। मोहब्बत और उल्फत का ये अम्ल बड़ा ही प्यारा अम्ल है। आप अगर चाहते हैं कि आपकी मोहब्बत आपके पास हो तो ये अम्ल लाजमी करें। दुश्मन को भी दोस्त बना देने वाले इस अम्ल की ताकत का अंदाज़ा आप ऐसे नहीं लगा सकते जब तक आप इस अम्ल को खुद ही नहीं कर लेते। जब आप ये अम्ल करेंगे तभी आप इस अम्ल का चमत्कार देखेंगे। बड़ा ही प्यारा अम्ल है। महबूब चाहे जितना पत्थर दिल हो, इस एक अम्ल से ही वो आपका गुलाम हो जाएगा। ये अम्ल आप किसी के लिए भी कर सकते हैं, चाहे सास बहू का मसला हो, बाप बेटे का मसला हो, दोस्त दोस्त का मसला हो, परिवार खानदान का मसला हो, अजीज़ व अकारीब का मसला हो। ये अम्ल एक दूसरे की मोहब्बत में चार चांद लगा देता है। इसकी बरकतों का अंदाज़ा आप तभी लगा सकते हैं जब आप खुद ही ये अम्ल करेंगे। इस नक्श की मुकम्मल जानकारी से पहले इस वीडियो को खूब खूब शेयर कर दें, जिससे किसी ज़रूरतमंद का काम बन जाए, और साथ ही इस वीडियो को लाइक भी कर दें जिससे मेरा हौसला बना रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फ़ायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। नक्श आपको इस तरह से बना लेना है। चार खाने का आपको बॉक्स बनाना है। चार खाने का बॉक्स बनाने के बाद इस नक्श को आप किसी भी दिन बना सकते हैं। इस नक्श को दिन में किसी भी टाइम आप बना सकते हैं। रात में ये नक्श आपको नहीं बनाना है, ये नक्श आपको दिन में ही बनाना है, यानी कि फज्र की नमाज से लेकर और मगरिब से पहले तक ही ये नक्श आप बना सकते हैं। इस नक्श को आप किसी भी पेन से लिख सकते हैं। इसके लिए किसी खास पेन की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको यहाँ पर 786 लिख देना है। अगर अम्ल अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को खूब खूब शेयर कर दें। 786 आपने लिखा। 786 लिखने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है मीम। मीम लिखने के बाद आपको यहाँ पर सीन लिख देना है। सीन लिखने के बाद आपको यहाँ पर तो लिख देना है। तो लिखने के बाद आपको यहाँ पर रे लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर महबूब का नाम लिख देना है और यहाँ पर महबूब की माँ का नाम लिख देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। अपना नाम लिखने के बाद अगर आप लड़की हैं तो बिनते लिख दें, अगर आप मर्द हैं तो बिन लिखने के बाद अपनी माँ का नाम यहाँ पर लिख दें। इसमें बिन या बिनते नहीं लगाना है। महबूब के नाम में बिन या बिनते नहीं लगाना है। इस नक्श को महबूब के कपड़े पर लिखना है। महबूब का कोई कपड़ा मिल जाए उसी कपड़े पर आपको ये नक्श लिखना है। कागज वगैरह पर ये नक्श नहीं लिखना है। नक्श लिखने के बाद इस नक्श को आप कब्रिस्तान में दफन कर दें। इंशाल्लाह महबूब पागल दीवाना होकर आपके खिदमत में हाजिर होगा। ये अम्ल सिर्फ जायज़ मकसद के लिए है। ये अम्ल सिर्फ जायज़ मोहब्बत के लिए है। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ की दरख्वास्त के साथ।